हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू वीके एडिट। गाइस आज हम कुछ इस टाइप की एडिटिंग सीखने वाले हैं, तो गाइस वीडियो को पूरा देखना है। और गाइस अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हाँ गाइस, इस एडिटिंग का मैं आपको प्रीसेट देने वाला हूँ। गाइस आपको बस एक क्लिक में ही आपकी फ़ोटो एडिट हो जाएगी। और गाइस जितने में बैकग्राउंड PNG यूज करूँगा वो सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइस चलते हैं वीडियो की ओर। सिंपल गाइस आपको कर लेना है अपना बैकग्राउंड इरेज। तो गाइस जिस किसी पर आप बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो गाइस मैं अपने फोटो का बैकग्राउंड कर लेता हूँ रिमूव। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद सिंपल गाइस आपको जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाकर गाइस आपको जाना है फोटो लेयर में। फोटो लेयर में जाकर आपको सनसेट वाला बैकग्राउंड कर लेना है ऐड। ऐड करने के बाद गाइस इस लेयर को करना है सबसे ऊपर। ऊपर करने के बाद ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसे बैकग्राउंड पर कर लेना है सेट। सेट करने के बाद करना है डन। डन करने के बाद सिंपल गाइस आपको अब की बार इम्पिटेलाइल लेनी है। इम्पिटेलाइल के इस टूल पर जाकर फोटो में जाकर गाइस आपको कर लेनी है बटरफ्लाई के पंख की PNG ऐड। PNG ऐड करने के बाद गाइस कर लेना है हमें इस पर सेट। सेट करने के बाद कर देना डन। डन करने के बाद गाइस इस लेयर को कर लेना है ऊपर। तो गाइस मैं इसे अभी ढंग से सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद कर देना है डन। डन करने के बाद गाइस फिर से आपको इम्पिटेलाइल लेनी है, फिर से ऐड फोटो पर जाना है और आपको लेंस की PNG लेनी है। और गाइस इसे इस पर जाकर कर लेना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद गाइस कर लेना है इसे अपने फोटो पर सेट। सेट करने के बाद सिंपल गाइस इसे कर देंगे डन। डन करने के बाद गाइस फिर से आपको इम्पिटेलाइल लेनी है और गाइस फिर से ऐड फोटो पर जाना है और गाइज आपको बिलर घास की PNG लेनी है। इससे गाइज हमारी फोटो रियलिस्टिक लगेगी। तो गाइज मैं इसे अपने फोटो पर कर लेता हूँ ऐड। तो गाइज मैं कर लेता हूँ सेट। सेट करने के बाद गाइज इसे फोटो कर लेना है हमें सेव। सेव करने के बाद गाइस हम और एडिटिंग इसकी करें लाइट रूम में। तो गाइस चलते हैं लाइट रूम में। गाइस मैंने कर लिया है लाइट रूम ओपन। लाइट रूम ओपन करने के बाद गाइस आपको अपना प्रीसेट और फोटो को कर लेना है ऐड। ऐड करने के बाद गाइस सबसे पहले आपको करना है प्रीसेट ओपन। ओपन करने के बाद गाइस
जाने इस टूल पर और इसकी कॉपी सेटिंग कर लेनी है और जाना है बैक। बैक जाकर गाइस आपको कर लेना है अपना फ़ोटो ओपन। ओपन करने के बाद जाना है इस टूल पर। इस टूल पर जाकर कर देंगे पेस्ट सेटिंग। तो गाइस देख सकते हैं गाइस आपकी फ़ोटो एक ही क्लिक में एडिट हो गई है। ये फ़ोटो एक ही क्लिक में एडिट हो गई है। तो गाइस देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस जिस किसी को प्रीसेट डाउनलोड नहीं करना है तो गाइस मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।